भाई हम हिंदुस्तानियों ने ना हर चीज को अपना बनाने में जैसे महारत ही हासिल कर ली है। फॉर एग्जाम्पल ये छोले, अब कुछ लोग इसे काबुली चना भी कहते हैं और छोले भी कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये काबुली चने आए हैं हमारे पास मिडिल ईस्ट से? लेकिन आज तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानियों ने इस पे पूरा का पूरा अपना कब्जा जमा लिया है, स्पेशली पंजाबियों ने, आए पंजाब के रास्ते अंदर थे ना। तो चलिए आज एक बहुत ही टिपिकल सी पंजाबी रेसिपी, अमृतसरी छोले की रेसिपी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या है खास इस रेसिपी में, देखिए मेरे साथ। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो हम बना रहे हैं आज अमृतसरी छोले। इसके लिए ये काबुली चना मैंने तकरीबन 8 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। अब उसका पानी मैंने गिरा दिया है और ये फ्रेश पानी ले लिया है। तो पहला काम ये कि छोले ले लेते हैं हम अपने प्रेशर कुकर के अंदर, और इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें नमक, एक टुकड़ा दालचीनी का, और डालूंगी एक मोटी इलायची, इसी के साथ साथ 2 टी बैग्स भी। अब ऐड करते हैं इसमें पानी। कितना पानी? बस इतना कि मेरे चने इसमें अच्छे से डूब जाएं। और उसके बाद बस एक छोटी चुटकी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला मीठा सोडा, ताकि ये चने जल्दी गल जाएं। और अब इसमें तकरीबन 7 से 8 सीटियां मैं लगा दूंगी, इसे 7 to 8 vessels के लिए पका लूंगी, या तब तक जब तक ये चने गल नहीं जाते। तो छोले तो उबालने चढ़ा दिए गए, अब क्या किया जाए? अब इसके लिए बनाऊंगी मैं एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला, मेरा स्पेशल छोले मसाला। तो क्या क्या डलेगा इस छोले मसाले में, आइए शेयर करती हूँ आपके साथ। पहले ले रही हूँ मैं एक तवड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 4 मोटी इलायची, 1/4 cup ले रही हूँ मैं इसमें ये कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, 8 से 10 लूँगी मैं इसमें यहाँ लौंग, 1/2 फूल ले रही हूँ जावित्री का, 5 लाल मिर्च ले रही हूँ, 2-3 bay leaves आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसके साथ ऐड करूँगी मैं इसमें जीरा। इन मसालों को मैं तब तक रोस्ट कर लूँगी जब तक इनमें एक बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती और साथ ही साथ हल्का सा कलर आ जाए। भाई मसाले तो मेरे हो गए हैं फ्रेग्रेंट, अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग गई है। तो ये देखिए मसालों में आ चुका है बढ़िया सा कलर और एक बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू भी। अब गैस को कर दूंगी मैं बंद और ऐड करूंगी इसमें एक छोटी चुटकी हींग, इसी के साथ एक छोटी चुटकी अजवाइन भी, और ऐड करूंगी इसमें 1 tablespoon कसूरी मेथी, और इन सब को फिर से एक बार चला लेती हूँ। पैन में जितनी हीट है ना उसमें ये कसूरी मेथी हींग अजवाइन ये सब भून जाएंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ और फिर इसे पीस के मसाला बना लेंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब इन्हें पीस लिया जाए। यकीन मानिए आधा जादू तो इन फ्रेश पिसे हुए मसालों का होता है, बाकी आधा किस चीज़ का वो भी अभी बताती हूँ। तो ये हमारा मसाला फ्रेश वाला हो गया तैयार। इतनी बढ़िया खुशबू और इतनी बढ़िया रंगत इसकी कि कहने ही क्या। तो ये देखिए ये फ्रेश छोले मसाला रेडी है। और अब इस मसाले में थोड़े से मसाले मैं और मिलाने जा रही हूँ। तो कौन कौन से हैं ये मसाले? तो पहले तो ऐड कर रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर। अब आप कहेंगे भाई धनिया तो हमने ऑलरेडी इतना सारा डाला हुआ है इसमें, लेकिन वो भुना हुआ धनिया है उसका टेस्ट अलग होगा, और ये जो मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर डाला है इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आएगा। और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी देगी लाल मिर्च फॉर अ वेरी नाइस कलर, वो जो लाल मिर्च भुनी हुई है उसका एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और ये एकदम डिफरेंट।
इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन सब को मिक्स कर लेते हैं। तो ये रेडी हो गया मेरा छोले का मसाला। अब आप चाहें तो इस मसाले को इसी तरह से एक एयरटाइट कंटेनर में पैक करके रख लीजिए और जब छोले बनाने का मन करे मेरा छोले का मसाला ट्राई कीजिएगा। इसे चेक कर लिया जाए, छोले भी गल चुके हैं। आप देखेंगे कि छोले का छिलका छोले से अलग हो गया है। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट। छोले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे एक बोल में निकाल लूंगी और वो जो टी बैग्स इसमें ऐड किए थे ना मैंने, वो टी बैग्स निकाल लेती हूँ। अब इसमें से ये टी बैग्स को पिक करके हम रिमूव कर देते हैं। छोले उबल गए, मसाला रेडी हो गया, लेकिन एक चीज, एक टॉप सीक्रेट अभी आपके साथ शेयर करना बाकी है। और वो टॉप सीक्रेट ये है कि ये छोले बनेंगे एक लोहे की कढ़ाई में। वैसे इसमें सीक्रेट तो कोई नहीं, लेकिन हाँ, मेरा यकीन मानिए कि जब हम इसे लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना, तो इसका टेस्ट और कलर दोनों बहुत ही बेहतरीन बनता है। और इस लोहे की कढ़ाई में मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। ऑफकोर्स आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने के देखिए दो फायदे होंगे। एक तो ये कि हमारे छोलों का कलर और फ्लेवर अच्छा आएगा, और दूसरा ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जानते हैं, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से लोहे का कुछ अंश जो है वो खाने में आ जाता है। एज अ रिजल्ट आप हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो, एनीमिया से सफ़र करते हो, तो आप देखेंगे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपके ब्लड में, खून में जो आयरन की मात्रा है वो थोड़ी सी पुशअप हो जाएगी, हीमोग्लोबिन लेवल्स और बेटर हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो चलिए देखिए, ये तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें धुआं उठने लग गया है। गैस को मैं कर दे रही हूँ बंद। जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा। अब जीरा जो पहले गया था और जीरा जो अब जा रहा है, उनके दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क आएगा। वो भुना जीरा था, ये तड़कता हुआ जीरा है। इसके बाद ऐड करूंगी मैं इसमें अपना छोले का मसाला। I've added around 3 tablespoons of छोले मसाला। मसाले को चला लेते हैं और अब इसमें ऐड करूंगी पानी, ताकि ये मेरा मसाला जो है वो जले नहीं, लेकिन कायदे से पक जाए। तो देखिए, इस पे तेल चढ़ने लग गया है। अब क्या ऐड किया जाए इसमें? अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon अनारदाने का पाउडर। बाजार में सूखा अनारदाना मिलता है, बस उसे मिक्सी में चला लीजिए, आपके पास अनारदाना पाउडर रेडी हो जाएगा। तो ये 1 teaspoon अनारदाना पाउडर, इसे एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट, कलर, सब कुछ देने के लिए। इसी के साथ साथ आधा चम्मच कसूरी मेथी एक बार फिर, और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं ये उबले हुए छोले। इन्हें स्टर कर दीजिए और अब मेरे पास अदरक जो यहाँ पर है, इसको मैं पतली पतली लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से कट कर लूँगी, ताकि आई हैव जिंजर जूलियंस ओवर हियर विद मी। और अब ये अदरक भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसी के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें हरी मिर्च, जिसे मैं स्लिट कर लूंगी। तो क्योंकि मेरी हरी मिर्च काफ़ी तीखी है, तो मैंने इसलिए 4 हरी मिर्च ले ली हैं और ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अब ये अदरक हरी मिर्च के साथ इन छोलों को मैं पकने दूंगी धीमी धीमी आंच पर, कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इसमें ना ही प्याज डाला है ना ही लहसुन डाला है। तो अगर आप जैन फूड बनाना चाहते हैं या बिना प्याज लहसुन का खाना बना रहे हैं, आपके लिए ये रेसिपी परफेक्ट है। अगर आप इसमें प्याज डालना चाहें तो भाई बिल्कुल डाल सकते हैं, बस महीन महीन प्याज काटिए या फिर चाहें तो उसे ग्रेट कर लीजिए, थोड़ा सा तेल में भून लीजिए, जब बढ़िया सा कलर आ जाए तब उसमें डालिएगा अपने सूखे मसाले जैसे मैंने डाले थे। अब ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी, है ना? और अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। जितनी देर आप इन छोलों को पकने देंगे ना, उतना बढ़िया इनका कलर आता जाएगा। अब एक और काम करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर अमचूर पाउडर, यानी कि रॉ मैंगो पाउडर, जिसे हम खटाई भी कहते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है यहाँ पर अमचूर पाउडर, और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1/2 कप वाटर। तो ये अमचूर का पानी हम बना लेते हैं, और अब ये अमचूर का पानी इसमें मैं ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं, इमली के पानी से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये अमचूर का पानी, अमचूर पहले मसालों के साथ मैंने इसलिए नहीं ऐड किया था, अमचूर जल जाता है, और अगर जल जाएगा तो वो फ्लेवर कहाँ से देगा। छोले तो डन, गैस को करते हैं बंद और इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। लुक एट दैट कलर, और ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें कोई भी प्याज या लहसुन हमने ऐड नहीं किया है, लेकिन अभी इसमें एक फाइनल फ्लरिश बाकी है। और क्या है वो फाइनल फ्लरिश, अभी बताते हैं। और अब एक फाइनल फ्लरिश, जो मैंने कहा ना आखिरी में एक धमाकेदार तड़का, उसकी कर लेते हैं तैयारी। और उसके लिए पहले थोड़ा सा मैंने तेल गरम कर लिया है यहाँ पर, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सी उसकी एक खुशबू भी आती है, फ्लेवर भी आता है। अब इस तेल को हो जाने देते हैं हम बढ़िया से गरम। तेल जब हो जाएगा अच्छे से गरम, तब ऐड करूँगी मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली फॉर अ वेरी नाइस कलर। गैस को कर दूंगी बंद, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट माई चिली टू बर्न, मिर्ची जलनी नहीं चाहिए। और अब इसके ऊपर ये लाल लाल रोगन, यानी कि बढ़िया सा लाल रंग वाला तेल, वो पोर कर देते हैं। गार्निश करेंगे इसे कुछ जिंजर जूलियंस, यानी कि बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, और साथ ही साथ थोड़ी सी हरी धनिया के साथ। और लेते हैं मज़ा बिना प्याज बिना लहसुन वाले अमृतसरी छोलों का।